कंगना रनौत ने एक बार फिर से ऋतिक रोशन पर निशाना साधा है और उनको एक बार फिर से सिली एक्स बोला है। जी हाँ, अब इस बार क्यों नाराज हुई कंगना ऋतिक रोशन से, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल कल तापसी का जन्मदिन था और तापसी के जन्मदिन पर ऋतिक ने उनको विश किया और इस बात से जो है कंगना ने एक बात जोड़ी है और उन्होंने कहा है, हा हा, सिली एक्स विल नेवर गेट ओवर कंगना एज फार एज मिस पन्नू इज कंसर्न। इन 10 ईयर्स ऑफ हर करियर शी नेवर गॉट सच लव फ्रॉम द लाइक्स ऑफ करण जौहर, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन एक्सेट्रा, बट नाउ शी इज कलेक्टिंग हर क्रम्स। कंगना सेज चाटुकारिता एंड डिफेंडिंग बॉलीवुड माफिया हैज मैनी पर्क्स, फेक लव, एप्रिसिएशन अवार्ड, फिल्म्स एंड रिवॉर्ड्स आर जस्ट सम ऑफ देम। तो उन्होंने कहा कि देखा, इससे पहले कभी तापसी पन्नू को ऋतिक रोशन के अलावा क्या आलिया और करण जौहर इन सब ने कभी विश किया था? लेकिन यही तो बात है, जब आप चाटुकारिता करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, एप्रिसिएशन, फेक अवार्ड्स, बॉलीवुड माफिया जो है उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे पर्क्स मिलते हैं और ये चीज़ जो ऋतिक ने उनको विश किया है वो भी उसी पर्क का एक उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं कल जब कंगना तापसी पन्नू के जन्मदिन पर उनको बहुत सारी बधाई और विशेज मिली, इस बात को लेकर कंगना ने ये बताया कि देखा, अब तापसी ने जिस तरह से बॉलीवुड माफिया का साथ दिया है तो जो बॉलीवुड माफिया की तरफ से पर्क्स मिलते हैं जिसमें फेक लव, एप्रिसिएशन अवार्ड, फिल्म्स और रिवॉर्ड शामिल है, उसी के अंतर्गत जो है उन्हें इस तरह से बर्थडे विशेज भी दी गई हैं। तो और ऋतिक ने जो उनको बर्थडे विश की उस पर उनका कहना है कि वो आज तक कंगना से गेट ओवर तो हो ही नहीं पाए हैं और अब जो है 10 साल के अपने करियर में तापसी पन्नू ने जो है आलिया, ऋतिक, करण और कैटरीना से विशेष जुटा ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाटुकारिता की और बॉलीवुड माफियाओं का साथ दिया है। तो एक बार फिर से कंगना सामने आई है इन सारी बातों को कहने के लिए और उन्होंने फिर से ऋतिक पर निशाना साधा है।